और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। आपको बता दें यूपी बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर है। 22 फरवरी से प्रस्तावित है यूपी बोर्ड की परीक्षा। आपको बता दें यूपी बोर्ड से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है प्रयागराज से, जहां हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए केंद्रों का निर्धारण किया गया है। 8,264 परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी देंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा। 22 फरवरी से प्रस्तावित है ये परीक्षा, जहां 10वीं और 12वीं के 22 फरवरी से प्रस्तावित है यूपी बोर्ड की परीक्षा। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 10वीं और 12वीं के 55,08,206 हैं ये परीक्षार्थी जो पंजीकृत हैं। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए केंद्रों का निर्धारण किया गया है, जहां 8,264 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने वाले हैं परीक्षार्थी। 22 फरवरी से प्रस्तावित है ये परीक्षा, जहां 10वीं और 12वीं के 55,08,206 परीक्षार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। आपको बता दें हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इन केंद्रों का निर्धारण किया गया है, जहां पर 8,264 परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं 22 फरवरी से ये प्रस्तावित है परीक्षा, जहां 10वीं और 12वीं के 55,08,206 परीक्षार्थी पंजीकृत हो चुके हैं।